अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी वीडियोस के क्लिप्स जो है ना वो मैं आपको ऐड करके आज दिखाऊंगा और साथ में आपको उसकी क्वालिटी वगैरह, बिल्ड क्वालिटी वगैरह दिखाऊंगा आज आपको। तो वीडियो आप शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। कुछ इसमें स्पॉइलर है और कुछ बॉडी पार्ट्स और होंडा की लाइट्स पर मैंने ये वीडियो क्रिएट की है और मुझे लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलें लेट्स सी, देखते हैं वीडियो। होंडा CF1 की स्पोर्ट्स लाइट्स पड़ी हैं, आप देखें ओरिजिनल मॉडिफाइड लाइट्स हैं ये चेक करें। आपको दिखा रहा था लाइट, ये देखें ओरिजिनल लाइट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। होंडा 2000 मॉडल की ये डिग्गी पड़ी हुई है, फिलहाल अभी मुकम्मल है, एक साइड की ये लाइट निकली हुई है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, अभी डेंट वगैरह इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे होंडा एजी की, ये भी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये होंडा सिटी का है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा ये कौन से मॉडल का, जुहा शेप है या 2000 मॉडल का। ये वुड स्ट्रक्चर में ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, नक्के वगैरह हर चीज़ इसकी ओके है, कोई नक्का इसका डैमेज नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने है, जिसे भी चाहिए हो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। ये होंडा डॉल्फिन ईजी मॉडल, ठीक है, ये उसकी स्पोर्ट्स लाइट्स हैं, कंडीशन आपके सामने है इसकी, बिल्कुल साफ सुथरी है, ओपन नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, अपनी सीलों के अंदर है। और ये दूसरा पीस इसका पड़ा होगा, ये आप देखें, ठीक है, होंडा डॉल्फिन की है ये। मीटर मुझे नजर आया, ये पता नहीं किस गाड़ी के, कुछ ये इसका पता भी थोड़ा सा ख़राब हुआ होगा, अब पता नहीं ये चलता भी है कि नहीं चलता, ये आप देखें। और दूसरी चीज़ मैं दिखाता चलूँ, ये है कौन सा, ये डिजिटल मीटर है, ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं हो रहा ये है किस गाड़ी का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ठीक है, ये फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की है, उसके बाद टेम्परेचर है, RPM है, स्पीडोमीटर भी है, चीज़ तो प्यारी है, मगर कंफर्म हो जाना कि अगर ये सुजुकी खैबर वगैरह किसी और गाड़ी में लग सकता है तो बड़ी मज़े की चीज़ है ये। नक्के वगैरह भी इसके ठीक है, कंप्लीट है, ये देखें, ये चेक करें, नक्के भी इसके प्रॉपर ओके हैं। ये बस मसले आते हैं इन चीज़ों के, कंफर्म नहीं होता कि है किस गाड़ी के। चलें लेट्स सी, देखते हैं, किसी को दिखाते हैं, मशवरा लेते हैं। मुझे नज़र आया, अब ये नहीं पता ये है किस गाड़ी का, ठीक है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बताता चलूँ, ये स्पाइलर पड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये नहीं पता ये होंडा के या टोयोटा के है, ओरिजिनल जिस भी गाड़ी के, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये प्लास्टिक के अंदर है, फाइबर नहीं है, और ओरिजिनल स्पाइलर है,
ये आप देखें, अब ये नहीं पता किस गाड़ी का है, आप लोग देख के बताइएगा किस गाड़ी का स्पॉइलर है। और इसके अंदर ये लाइट भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक और स्पॉइलर आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक ये स्पॉइलर पड़ा हुआ है, ये इसका भी अभी कंफर्म नहीं है कि किस गाड़ी का, ये दो पड़े हुए हैं स्पॉइलर, ठीक है, ये दो स्पॉइलर पड़े हुए हैं, ये इसकी लाइट भी है, ठीक है, ये इसकी शेप है पूरी। ये आप देखें, ये इसकी पूरी की शेप है, ये स्टाइल है इसका लाइट का। अगर किसी को चाहिए हो तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अवेल हो जाएंगे आपको, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि करोला के हैं, जो 14 मॉडल से आना स्टार्ट हुई थी, ये उस मॉडल के हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी लेके आया हूँ, और ये कंसोला मुझे नहीं पता किस गाड़ी का है जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ जो बेल आइकॉन है सिर्फ लास्ट में प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।